हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ सुखमनी। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार ये बताया था, मेरे को 26 फ्लेवर्स ऑफ चॉकलेट बनाने आते हैं। आज मैं एक और नए फ्लेवर के साथ आप सबके सामने आई हूँ। वो फ्लेवर है बटरस्कॉच। पिछली बारी हमने 2 फ्लेवर्स बनाए थे, जो थे ओरियो और जेम्स फ्लेवर। जो इंग्रेडिएंट्स हमारी बटरस्कॉच चॉकलेट बनाने में यूज़ होंगे, ये है मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड। इसमें मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड की कॉम्पोजिशन 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क कंपाउंड एंड 25 ग्राम्स ऑफ डार्क कंपाउंड है। ये बटरस्कॉच है। बटरस्कॉच हम घर पर भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। और ये हमने उस बटर स्कॉच को क्रश कर लिया है। और ये मोल्ड। अब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे 30-30 सेकेंड्स करके माइक्रोवेव में। अब ये चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसे निकालेंगे। अब हमने इसे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया है और अब हम इसे मेल्ट करेंगे, इसको स्टिर करके। हमने इसे बहुत अच्छे से स्टिर करना है और हमारे को 30-30 सेकेंड्स करके ही करना है चॉकलेट को मेल्ट, वरना वो सड़ सकती है। अब हम इसे 3-4 मिनट्स के लिए ऐसे ही स्टिर करेंगे, ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो ना आए और ये थोड़ा थिक और शाइनी हो जाए। इसे अभी 3-4 मिनट के लिए हम मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें बटरस्कॉच ऐड करेंगे। हम ये बटरस्कॉच को क्रश कर दिया है हमने, अब हम यही वाले पाउडर को इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने तब तक मिक्स करना है जब तक कि बटरस्कॉच चॉकलेट से अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। अब ये हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड्स में डालेंगे। ये मोल्ड मैंने सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किया है। आप चाहे तो प्लास्टिक मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन मोल्ड से चॉकलेट इजीली निकल जाती है। अब हम इसको टैप करेंगे, ताकि जो एयर बबल्स हैं वो हट जाए और ये इवनली पूरे उसमें स्प्रेड हो जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी बटरस्कॉच की गार्निशिंग करेंगे। अब हमने इसे गार्निश कर दिया है। अब हम इसे फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। अब हम इसे 15 मिनट्स के बाद फ्रिज से निकालेंगे और इसे डीमोल्ड करेंगे 15 मिनट्स तक ही अच्छे से जम जाएगा। हमारे 15 मिनट्स अब पूरे हो चुके हैं। अब हम चॉकलेट्स को बाहर निकालेंगे और डीमोल्ड करेंगे। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे, ये जम चुकी है। हमारी बटरस्कॉच चॉकलेट अब रेडी हो चुकी है। हम ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। थैंक यू।